नमस्कार, मैं रुचि पांडे राजनीति दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव को नजदीक देखते हुए योगी सरकार कई तरह के बदलाव भी कर रही है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अब योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद और फैजाबाद के बाद अब अलीगढ़ का नाम बदलने के लिए कवायद तेज कर दी है। यूपी में जिला पंचायत बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया गया है। दरअसल सोमवार को दूसरी जिला पंचायत बैठक हुई थी, जिसमें नव निर्वाचित अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार परिसर में सभी सदस्यों की मौजूदगी में अलीगढ़ जिले का नाम बदल के हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया गया है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। गोविंद वल्लभ पंत सभागार प्रांगण में बैठक में सभी विधायक और ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहे। पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों से उनके सुझाव मांगे तो सभी ने अपनी अपनी सहमति भी व्यक्त की और सभी की सहमति पर जिले का नाम बदल दिया गया है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य केहरी सिंह और उमेश यादव ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने पर अपनी सहमति की मुहर भी लगा दी है। विश्व हिंदू परिषद ने साल 2015 में अलीगढ़ में प्रस्ताव पास कर कहा था कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ ही है, इसे बाद में अलीगढ़ कर दिया गया था, इसलिए इसे अलीगढ़ को हरिगढ़ ही किया जाना चाहिए। वैसे भी देश और यूपी की सियासत में इस जिले और शहर की अपनी अहमियत रही है। कल्याण सिंह ने साल 1992 में मुख्यमंत्री रहते हुए इसका नाम हरिगढ़ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, इसलिए उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकी थी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कई बड़े शहरों के नाम बदल चुके हैं। इसमें इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या करना भी शामिल है। इसी क्रम में बसपा नेता फारूक अहमद ने भाजपा की हो रही वाहवाही पर आपत्ति भी जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब जिला पंचायत अध्यक्ष सभी के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए इस कुर्सी को पार्टी विशेष न बनाकर सदन की गरिमा के अनुसार रखा जाए। यहाँ एक बात तो साफ हो गई है कि चाहे लाख भाजपा के जिलों के नाम बदलने के लिए आलोचना की जाए, भले ही उन्हें नाम बदल कर राजनीति करने वाला कह दिया जाए, पर यहाँ एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा ने जैसा हमेशा कहा है कि वे देश से वो सभी निशान मिटा देंगे जो मुगलों की गुलामी के प्रतीक हैं, उसी पर वे कार्य करते भी तटस्थ दिख रहे हैं। आप खुद अपने मन से पूछिए, क्या ये सही है कि हम अपने देश में उन चीज़ों को रहने दें जो हमारी गुलामी की याद दिलाता हो। अब भाजपा को चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा और आने वाले समय में कब तक भाजपा इसे जारी रख पाएगी, ये देखना यहाँ दिलचस्प है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए राजनीति दरबार। धन्यवाद।